नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 News में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें मध्य प्रदेश को लेकर। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में इस वक्त पूरा भूचाल मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान इस वक्त केरल के दौरे पर है। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की यहां पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम मतलब मोदी राज मतलब राम राज। शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी की तुलना राम से भी करने में चूके। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहनों के लिए उज्जवल योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों केरल के दौरे पर हैं। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार की योजनाओं को गिनाया। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि मोदी राज मतलब राम राज। और शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर पीएम मोदी की तुलना राम से भी करने में चूके। उन्होंने कहा कि पीएम ने बहनों के लिए उज्जवल योजना की शुरुआत की, जिसका लाखों बहनों को लाभ मिल भी रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ शिवराज सिंह चौहान को इस वक्त कोई भी नहीं समझ पा रहा कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान क्या चाहते हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, तो कभी यहाँ पर पीएम मोदी को लेकर कहते हैं कि पीएम मोदी मतलब राम राज। आखिर शिवराज ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर कंफ्यूज हो चुके हैं कि आखिर उन्हें भविष्य में करना क्या है? क्या वो अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं? ऐसे सवालों को लेकर लगातार अटकलें लग रही हैं जब से मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार ये जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वो यहाँ पर बार बार कभी देश के प्रधानमंत्री मोदी और अपनी पार्टी पर यहाँ बड़ाइयाँ करते नजर आते हैं और कभी हमला करते नजर आते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में राय दें और देखते रहिए SPN 9 News। धन्यवाद।